मैडम जी भी नहीं बुला पाएंगे। वही तो देखा। डोंट कॉल मी मैडम जी, सेज प्रियंका चोपड़ा। अरे भाई, प्रियंका ने ये बात गुस्से में नहीं कही, बल्कि मुंबई के एक इवेंट में पहुंची प्रियंका ने ऐसा अपनी आने वाली डेब्यू प्रोडक्शन फिल्म मैडम जी को लेकर कहा। रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा डेब्यू प्रोडक्शन मैडम जी टू बी डायरेक्टेड बाय मधुर भंडारकर हैज बीन इनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड। देखिए प्रियंका का इस पर क्या कहना था। मधुर और मैंने डिसाइड किया कि मैडम जी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी वक्त से, हम लोग बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे, सो फाइनली वी डिसाइडेड टू पुट इट ऑन होल्ड। अभी उसके बारे में मैं नहीं सोच रही, मधुर कुछ और कर रहे हैं, मैं बाजीराव ख़त्म कर रही हूँ, दिल धड़कने तो रिलीज़ करूँगी, गंगा जल ख़त्म करूँगी और उसके साथ क्वांटिको कर रही हूँ। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट देते हैं एंड देन वील सी इन द मीन वाइल ही इज डूइंग अनदर फिल्म एंड मैं अपनी प्रोडक्शन में आई एम डिवेलपिंग अबाउट 3-4 फिल्म्स व्हिच मे और मे नॉट स्टार मी। साथ ही प्रियंका की हॉलीवुड टीवी सीरीज क्वांटिको की अमेरिका में शूटिंग की वजह से प्रियंका देश से काफी बाहर रहती हैं। उनके बाहर रहने पर कई खबरें भी आई थी। प्रियंका ऐसी खबरों से काफी नाराज दिखी। लोग तो बहुत बातें करते हैं, उनको उन पे ध्यान देना मैंने कब से छोड़ दिया था। बातें करना उनका काम है, काम करना मेरा काम है। मैंने हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जब भी आप अपना मन ठान लें तो आप हर चीज़ एक साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े दूसरे के लिए, और ये एक आई थिंक इंडियन औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है। हम घर भी संभाल लेते हैं, काम भी संभाल लेते हैं, तो उसी तरह मैं इंडिया भी संभाल लेती हूँ और बाकी जहाँ पे भी मेरा काम जाएगा उसको भी संभाल लूँगी। Well, Priyanka, don't be angry. After all, they're all your loving fans, and उनका इतना insecure होना तो बनता है।